मैंने सीखा यहाँ में, मेरे को लगता नहीं है कितने भी पैसे ले लो आप, कहीं भी चले जाओ, ऐसा ज्ञान कहीं भी नहीं मिल सकता है। जो मिला है दिस इज प्राइसलेस। अगर हम लोग सोचें और प्रैक्टिस करें ये सब चीज़ जो सर ने बोला, डेफिनेटली इम्प्रूव तो करना ही है, लाइक ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये सब चीज़ आपको करना भी नहीं है, ऑटोमेटिकली होते रहेगा आपके साथ। जैसे स्माइल, मैंने आपको देखा, मेरा स्माइल ऑटोमेटिकली आ गया, मैं उधर देख रहा हूँ, मेरे को हंसी ऑटोमेटिकली आ रही है। तो ये सब चीज़ ना आपके साथ होते रहेगा, आपको करना नहीं है, बस दिमाग नहीं लगाना है। सर जो बोलते हैं कुछ रीज़न से बोलते हैं, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि सर बोलते हैं बड़ा बड़ा लिखो, खुला खुला लिखो, दिमाग की खिड़कियाँ खुलेंगी। तो मैंने भी देखा बड़ा लिखता हूँ अभी ऑटोमेटिकली जाके पढ़ने का मन करता है, पहले ऐसा होता छोटा लिखता था पढ़ने का मन भी नहीं करता, अभी बड़ा लिखता हूँ दिमाग में भी जल्दी आ रहा बड़ा, फिर सर का वो क्लास ही याद आता, अच्छा सर ने ये बोला था, मैंने बड़ा बड़ा लिखा था, मेरे को दिमाग में आ गया। और सर जैसे बोलते हैं कि डेली टॉप 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 आस्क आस्क आस्क, तो पुणे में मेरे को पता नहीं मैंने कितने हजारों लोगों से बात किया, उबर ड्राइवर से लेके चना वाला पाव भाजी वाला, जहाँ जिसको मिला मॉल में। जैसे मेरे को एक बार इस होटल में जाना था रविराज में, तो मैंने रास्ते में 20 लोगों से पूछा कि रविराज किधर, मेरे को तो पता ही है रविराज किधर है। तो दो तीन ने बोला गूगल देख लेना भाई, तो मैं बोला डेटा खत्म हो गया यार बता दो, मैं नया हो इधर, मेरे को पता नहीं। ऐसे करके सर जो भी कुछ बोलते हैं कुछ कारण से बोलते हैं, बस आप लोग को फॉलो करना है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। वंडरफुल।